अगर आप एक डॉग लवर हैं और अपने घर के लिए एक वफादार साथी लेना चाहते हैं और किसी दो नस्लों के बीच कंफ्यूज हैं, तो आप हमारे चैनल पर वर्सेस सीरीज देख सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर देगा। आज इस वीडियो में हम दो एपिक डॉग्स को कंपेयर करने वाले हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के थ्रू बना रहे हैं, रियल टाइम इवेंट्स कुछ अलग हो सकते हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जर्मन शेफर्ड वर्सेस हस्की। हस्की एक लॉयल, आउटगोइंग और मिस्चीवियस होने के साथ एक मीडियम साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन साइबेरिया से है। हस्की की हाइट 21 टू 23 इंचेस तक होती है और इसका वजन 20 टू 27 केजी तक होता है। वहीं जर्मन शेफर्ड एक करेजियस, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होने के साथ एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन जर्मनी से है। जर्मन शेफर्ड की हाइट 24 टू 26 इंचेस तक होती है और इसका वजन 30 टू 40 केजी के बीच होता है। ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन, अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर फैक्टर्स पर। पॉपुलैरिटी किसी भी नस्ल की जानकारी और अवेलेबिलिटी को आसानी से लोगों तक पहुंचा देती है और लोग उस नस्ल को ठीक तरह से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में जर्मन शेफर्ड नंबर 4 पर आता है, वहीं हस्की 19th मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है। टोटल अटैक्स। किसी भी डॉग ऑनर के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी कि उसका डॉग अननेसेसरी किसी पर भी अटैक करे, वरना इस बात के लिए उसे पुलिस तक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जर्मन शेफर्ड अपने टेम्परामेंट को लेकर बहुत अलर्ट होते हैं मगर एग्रेसिव नहीं होते। 2005 से 2007 के बीच जर्मन शेफर्ड ने 20 लोगों पर अटैक करा था। वहीं हस्की अपने टेम्परामेंट को लेकर पेशेंस और प्रोटेक्टिव होते हैं। 2005 से 2007 तक हस्की ने 13 अटैक्स करे थे और स्टैटिक्स के हिसाब से ये नंबर 6 पर आता है। बाइट फोर्स एक अहम पहलू होता है किसी भी नस्ल की हार या जीत को तय करने के लिए, मगर ज्यादातर लोग इसे फाइट पैरामीटर से बाहर रखते हैं। जर्मन शेफर्ड एक लार्ज साइज ब्रीड होने के साथ 238 PSI जनरेट कर सकता है। वहीं हस्की एक मीडियम साइज ब्रीड होने के साथ 320 PSI जनरेट करता है और बाइट फोर्स में हस्की बहुत आगे निकल जाता है जर्मन शेफर्ड से। वैसे हमने डॉग बाइट फोर्स और बिग कैट बाइट फोर्स पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वॉच एंड प्रोटेक्टिवनेस। हस्की अमेरिकन केनल क्लब के हिसाब से 1 स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड है। वहीं जर्मन शेफर्ड अमेरिकन केनल क्लब के हिसाब से 5 स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड है और जर्मन शेफर्ड काफी समय से कई सारे देशों में सर्व भी करते आ रहे हैं। विद स्ट्रेंजर्स एंड किड्स। जर्मन शेफर्ड को स्ट्रेंजर्स के साथ अलर्ट रहते देखा गया है और ये बच्चों के साथ बहुत ही आसानी से ढल जाते हैं। वहीं हस्की भी स्ट्रेंजर्स के साथ अलर्ट होते हैं और बच्चों के साथ बहुत ही आसानी से ढल जाते हैं। ये दोनों ही ब्रीड लार्ज साइज और मीडियम साइज हैं, तो बच्चों के साथ रखते समय इन पर नजर रखने में कोई बुराई नहीं है, वरना इनका आकार बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। इंटेलिजेंस एंड लाइफ स्पैन। एक डॉग हमेशा अपनी समझ से अलग पहचान बनाता है ताकि जिस काम के लिए उसे पहचान मिली है वो उसे ठीक तरह से पूरा कर सके। जर्मन शेफर्ड इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में नंबर 3 पर आता है और इसका लाइफ स्पैन 7 से लेकर 10 साल होता है। और हस्की इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में नहीं आता है और इसका लाइफ स्पैन 12 से लेकर 14 साल तक होता है। तो इंटेलिजेंस के लिए 1 पॉइंट जाता है जर्मन शेफर्ड को और लाइफ स्पैन के लिए जाता है हस्की को। एनर्जी लेवल। जर्मन शेफर्ड एक हाईली एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है और AKC के हिसाब से एनर्जी लेवल में इसे 5 स्टार रेटिंग मिला है। वहीं हस्की भी वर्किंग डॉग ब्रीड होने के साथ एक हाईली एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है और AKC के हिसाब से एनर्जी लेवल में हस्की को भी 5 स्टार रेटिंग मिला है, तो दोनों को 1-1 पॉइंट जाता है। वैसे इनकी एनर्जी को ठीक तरह से चैनलाइज करने के लिए इन्हें रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वरना इनका टेम्परामेंट लूज हो सकता है। तो ये थी एक वर्चुअल फाइट बिटवीन जर्मन शेफर्ड एंड हस्की। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा मकसद आप तक स्टैटिस्टिकल डेटा पहुंचाना है, ना कि किसी नस्ल को कम या ज्यादा बताना। तो जो भी आपकी निजी राय और अनुभव हो वो आप हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।